ठीक है, तो विल स्टार्ट अगेन। फिर से हमारा एक प्रोग्राम है यहाँ पे, वी हैव दिस और बेसिक्स नेम स्पेस हेडर फाइल्स एंड। तो हम यहाँ पे एक सिंपल एक नया एक क्लास हम क्रिएट करेंगे आज, एक सिंपल क्लास सपोज सम, उसका नाम रखते हैं हम सम। अब इसमें इंट ए है एंड इसमें इंट बी है, ऑब्वियसली ये सम ऑफ टू नंबर्स करेगा। फिलहाल इसमें यही करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं यूज करते हो इसमें? हाँ, डेटा टाइप क्या है? कर सकते हैं ना, मैंने कब बोला नहीं कर सकते? मैंने कब बोला नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कैर भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। मैंने कल, अगर आपको याद हो, मैंने कल ऐसे किया था, नेम इज कॉल्ड समथिंग लाइक 50। हाँ, फिर जब इसको देना होता है ना, मतलब नेम ऐसे तो नहीं लिखते हम, नेम इज कॉल्ड व्हाट एवर जो भी आपका नाम है, असली हम यूज करते हैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग की फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ आप, तभी मैंने वहां पे कैर कल हटाया था, ठीक है, ताकि मैं स्ट्रिंग फंक्शन ना यूज करूं सिंपल प्रोग्राम। तो ये जो हमारे पास है अभी, हम कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्रोग्राम का, मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, सिंपल स्टी के लिए हम कोई भी डेटा टाइप यूज करो, हमारे अवेलेबल डेटा टाइप है। और जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक नया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो क्लास, यहाँ पे मैंने इस क्लास का नाम रखा सम, सम ऑफ टू नंबर्स करेंगे हम। तो जब मैंने कल बोला कि ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं ये मेंबर, जिन्हें हम, अगर मैंने यहाँ एक्सेस आइडेंटिफायर नहीं बताया तो ये प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इनको एक्सेस करने के लिए मुझे पब्लिक कुछ चीजें बनानी पड़ेगी। सपोज मैं एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा वाइड इंसर्ट, ठीक है, वाइट इंसर्ट जो है ये इंसर्ट करेगी, इससे हम इंसर्ट करेंगे ये दो नंबर्स को हम, तो इसको हम गेटर फंक्शन भी बोलेंगे। बाय गेटर फंक्शन मीन्स जो गेट डेटा करे, सेटर फंक्शन सॉरी, जो सेट डेटा करे, डेटा को वैल्यू सेट करे। तो इसको हम सेटर भी बोलते हैं, सेटर फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी वैलिड नाम रख सकते हैं, मोस्टली हम सेट और गेट रखते हैं। आप जो रियल लाइफ प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल एंड प्रोग्रामिंग, में सेट और गेट रखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी देकर रख सकते हैं। देन आई विल क्रिएट अनदर फंक्शन, अभी मैंने इस फंक्शन में कुछ नहीं लिखा, खाली है वाइड शो। शो क्या करेगा, ये रिजल्ट शो करेगा, सपोज सम ऑफ टू नंबर्स शो करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ये get the value of sum, sum of two numbers, ठीक है, तो it is getter function, तो हमारी ये getter function है, तो इसको हम get रखे नाम या set रखे नाम, जो भी नाम रखे, तो उससे इशू नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम getter और setter नाम रखते। तो यहाँ पे मैंने दो functions बनाई public में, देखो ये public है। अब ये public है, इसका मतलब जो public होता है, public में क्या होता है, इसका मतलब ये इन दो वेरिएबल्स को, ये दोनों फंक्शन जो है, इन दो वेरिएबल्स जो है हमारे पास, हम जो मेंबर्स है, दो मेंबर्स है हमारे पास int a and int b, इनको एक्सेस कर सकेंगे, चाहे इनमें कुछ डेटा इंसर्ट करना हो, चाहे इनमें डेटा रिट्रीव करना हो, इनका डेटा तो कर सकेंगे। बाय डायरेक्ट हम नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये डेटा हाइड होता है, डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, हमने ऐसे ही देखा इनको। अपने मेन वाली फंक्शन में आते हैं, इस सम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज सम स्मॉल सम वन, कुछ भी नाम रखो, कुछ भी वैलिड नाम, मैंने सम वन नाम रखा। इसको हम सेव करेंगे, इसको हम नाम देंगे 3.cpp, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे किया क्या हमने, टिल नाउ वी हैव डन सम माइनर थिंग्स, हमने अपना जो, जैसे हम यूज करते हैं ऊपर नेम स्पेस और हेडर फाइल यूज की, फिर हमने एक क्लास बनाया सम के नाम से, फिलिंग द नेम सम, इसको टर्मिनेट करना होता लास्ट में। तो मैंने सम के नाम से क्या किया, हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, उसमें दो वेरिएबल्स है,
इंट ए और इंट बी, सपोज हम तीन भी तीसरा भी रख सकते इंट एस, ठीक है। तो एस में हम इन दो नंबर्स का सम डालेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर हम यहां देखें अपने, अगर हम फिलहाल ऐसे आ जाए अपने, ऐसे भी कर सकते हैं इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 12, या इसमें यूजर से ले ले डेटा वाई इज इक्वल टू 10 एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हमें क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करने हैं तभी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अब क्या हम इससे कम्प्लेक्स कर रहे हैं? हम तो तीन लाइन में कोड लिख रहे थे, यहाँ पे हमने मैंने पांच आठ लाइन का या और भी लाइन में एड होंगी, तो ये क्या मसला है? असल में मसला ये है कि ये जो है ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है, ये वाली प्रोग्रामिंग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है और ये वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। फायदा नंबर एक, ये जो डेटा ये हाइड हो गया, इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सका, रखेगा, ठीक है। मैं जैसे सम करना चाहूंगा, जैसे इंसर्ट करना चाहूंगा, वो मैं ही करूंगा यहाँ पे जो फंक्शन में दूंगा। जैसे सम निकालना चाहूंगा, किस तरह का सम होगा तो वही होगा। इन मेंबर्स पे और कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, इन मेंबर के को इस क्लास के बाहर कोई जो है छेड़ नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, जो कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर मैंने एक्स वाई जेड को सपोज ऐसे में करता, इनको ग्लोबल बना देता, तो ग्लोबल बनने के बाद इसमें क्या था, कोई भी फंक्शन कोई भी कोड इन एक्स वाई जेड को एक्सेस कर सकता था, ठीक है। लेकिन विद क्लास ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लास में जो है जो आपने फंक्शन दी है, जो फंक्शन आपने दिए यहाँ पे, आपने सेट इंसर्ट की एक फंक्शन दी और शो की फंक्शन दी, जो यहाँ पर आप कोड लिखोगे इन वेरिएबल्स पे वही कोड एग्जीक्यूट होगा। इन वेरिएबल्स पे, इन डेटा मेंबर्स पे कोई और कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। इससे क्या रहता है, सपोज आप 10 बंदे एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक एक बंदा अपने कोड के लायक रहेगा, उसकी कोड उसे पता रहेगा कि मेरे कोड के साथ कोई और जो है कोई किसी और का कोड कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट बाय इन द सेंस कि उसके साथ कोई खराबी ना हो, कोई यूज ना हो, कोई वेरिएबल तो प्रोग्राम क्रैश हो जाए या प्रोग्राम का जो हमें आउटपुट आना चाहिए वो ना आए, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे अब सिंपल जो फंक्शन बनाई पब्लिक में, याद रखना यहाँ पे पब्लिक करना ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, पब्लिक तो मैंने रखा इसमें इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या करूंगा, सीधे मैं एक मैसेज दूंगा सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ ए या फर्स्ट नंबर जो भी आप रखोगे, then I will do c in a, then I will do enter value of b, I will do c in a. तो insert function ने क्या किया, ये हमारी setter function है, set करती है data को, तो ये user से ले रहा है a और b का value, ठीक है। इसने ले लिया user से a और b का value, okay। अब हम इस show में क्या करेंगे, show में हम करेंगे, हमने तीसरा variable बनाया है s, s is equal s is equal to a plus b, s को a plus b का वैल्यू देंगे एंड विल शो द मैसेज सम इज इक्वल, इनका जो सम है वो s के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गई, ये चीजें हो गई, हमने किया काम सिंपल, जैसे हम काम हमारे पास तीन वेरिएबल्स a b और c, एक फंक्शन बनाई जिसमें a और b का वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और एक और फंक्शन बनाई जिसमें हम ए और बी का वैल्यू जो है किसी और वैल्यू में सम करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये ए और बी मुझे एक्सेस नहीं है, ऐसे मुझे एक्सेस नहीं होंगी, ये एक्सेस होंगी वाया दीज फंक्शंस, ये दो फंक्शंस मुझे काम आएंगी इनको एक्सेस करने में, ये जो मैंने दो फंक्शन बनाई, ठीक है, जो मैंने दो फंक्शन बनाई इंसर्ट और शो, इनसे ये वेरिएबल्स एक्सेस होंगे, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल, ये फंक्शन जो है वाइड इंसर्ट या वाइड शो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होंगी। सपोज मैं यहाँ पे
ऐसे काम करना चाहूंगा, मैं इंसर्ट को कॉल करूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट इंसर्ट को कॉल करूं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे एरर दिखाएगा कि इंसर्ट वाली कोई फंक्शन है ही नहीं, आपने इंसर्ट को कॉल किया, इंसर्ट तो है ही नहीं कोई फंक्शन, इसको तो आप कॉल ही नहीं कर सकते, इस इंसर्ट पे यहां जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता, डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता कि ये कॉल हो जाए किसी फंक्शन को, सपोज को एक बार फिर से करते हैं, इंसर्ट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, आप इंसर्ट को कॉल करना चाहते हो लेकिन इन दिस स्कोप, इन दिस इन द मेन फंक्शन वो डिफाइन ही नहीं है, वो डिक्लेयर ही नहीं है, इसको तो कहीं लिखा ही नहीं गया है, हालांकि हमने इंसर्ट को लिखा है, हमने इंसर्ट को यहाँ लिखा है, लेकिन ये बता रहा है कि एरर आ रहा है हमें, जो है हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, ये जो एरर है ये एरर है यहाँ पे, और ये एरर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि इंसर्ट जो है, इंसर्ट जो है एरर है, सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, या इंसर्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ये तो इंसर्ट है, ये तो डिक्लेयर ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या है, ये क्या कौन सी चीज है, ठीक है, तो इसको कॉल ही नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कॉल कर पा रहा है, क्योंकि हमने बताया इससे पहले कि जो दो फंक्शन है, ये जो चाहे वो इंसर्ट की फंक्शन हो या चाहे हमारे पास ये फंक्शन हो शो की फंक्शन हो, ये तो पब्लिक है, ये तो पब्लिक यानी इस क्लास के बाहर एक्सेस होंगी, लेकिन वाया वाया दिस क्लास, जब तक हमारे पास ये क्लास ना हो, उसका ऑब्जेक्ट ना हो, तब तक नहीं होगा, तो हमने एक क्लास बनाया सम, और सम का हमने क्या किया काम, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये कैपिटल में लिखना है तो यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए, ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल होना, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे सम वन, अब देखो ऐसा कर सकता हूं मैं सम वन डॉट इंसर्ट, ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉल करूं तो ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगी, दिस फंक्शन विल गेट कॉल, क्यों क्यों कॉल हो जाएगी, क्योंकि सम की एक पब्लिक फंक्शन है इंसर्ट, और उस इंसर्ट को मैं कॉल कर सकता हूं वाया यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑफ सम, मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ सम एक बनाया सम वन, ठीक है, तो उसमें ये इंसर्ट कॉल हो सकती है, ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं कंपाइल एंड रन, तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया, मुझे बोला इंटर वैल्यू ऑफ ए सपोज फोर, इंटर वैल्यू ऑफ बी सपोज सिक्स, एंड दिस विल एंड, ठीक है, हमने और कुछ नहीं किया, अब अगर मुझे इसका वैल्यू देखना है तो मुझे फिर से ये करना है सम वन डॉट शो, शो क्या करता है, हमें हमने जो इसको वैल्यूज दिए हैं उनका सम निकाल के देता है, हमें दिखा रहा है सम इज इक्वल टू 25, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक से रन हो गया, हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें आउटपुट मिला, ठीक है, लेकिन आपको पहले पहले लगा होगा कि ये जो इतनी बड़ी हमें बहुत सारी लाइंस आप लिखनी है सम ऑफ टू नंबर्स के लिए, इतना सारा कोड लिखना है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना ये वही बात है, ये असल में कोड बड़ा नहीं है, ये असल में हम एग्जांपल छोटी दिखा रहे हैं, हम कोड बड़ा नहीं है, असल में हम एग्जांपल छोटी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे चीजें बड़ी हो, कैसे चीजें होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, जब रियल लाइफ प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर हमारे बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां पे जो क्लास का डेटा है ऑब्वियसली वो बड़ा होता है, तो खाली हमें सम ऑफ टू नंबर्स नहीं करना होता, तो वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, हमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, चेक करनी होती है, तो उस वक्त ये डेटा जो है सपोज एक इंसर्ट गेटर फंक्शन या सेटर फंक्शन बड़ी हो, सपोज एक आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में एक क्या होता है, सपोज गेट कर रहे हो आप डेटा, कोई डेटा आप गेट करो, आपका नाम, आपको किस प्लेयर के साथ खेलोगे, आपकी लेवल क्या है, तो वो चीजें गेट सेट करेंगे, हम पहले सेट करेंगे क्या क्या नाम है आपका, आप अगर कार रेस करें तो कौन सी कार आप सिलेक्ट करोगे, वो चीजें सेट होंगी, ठीक है, फिर एक फंक्शन होगी सपोज शो या प्ले होगी एक फंक्शन, वहां पे अगर आप गेम एक बनाओगे सिंपल तो प्ले एक फंक्शन होगी,
तो प्ले फंक्शन क्या करेगी, वो आपको एक एनवायरमेंट क्रिएट करके देगी कि आप प्ले करोगे बाकी प्लेयर से. तो ओवियसली उस प्ले वाली फंक्शन में दो लाइंस ऑफ कोड नहीं होंगी, इट विल हैव एन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड. वहां पे बहुत बड़े कोड होते हैं हमारे पास. तो ये सारी चीजें असल में इसीलिए है, वरना ये ऐसा नहीं है कि हमने बस हमने क्यों हमें सम ऑफ टू नंबर्स ही करना था तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हमें इतना बड़ा कोड क्यों लिखना पड़ा, 5-10 लाइन या 15-20 लाइन का कोड क्यों लिखना पड़ा. अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, ये जो मैंने सम वन बनाया ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस सम वन इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सम, ये सम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो ठीक है, तो पहले ये समझिए थोड़ा सा. तो ये एक्चुअली सम जो है ऑब्जेक्ट ऑफ सम वन जो ऑब्जेक्ट ऑफ सम है, इसका मतलब सम वन हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाया, ऐसा वेरिएबल बनाया जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में करते थे, हम वहां पे चीजें दिखाते थे कि कैसे हम वहां पे ऐसे करते थे कि कैसे एक वेरिएबल जो है स्ट्रक्चर का उसमें वो चीजें रहती है. ऐसी सम वन जब बन गया, सम वन जब बन गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक ऐसा चीज आ गई सम वन, ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम सम वन, सम वन. तो सम वन में क्या क्या है, सम वन में तीन चीजें है, अब इसमें इंट ए है और बी है और एस है, यानी ये तीन चीजें इसमें है, एक तो ए एक तो बी एंड वी हैव एस. तो ये हमारा जो है ओवरऑल जो ये सम वन बन गया. अब इसमें तीन चीजें आ गई सम वन में, ए बी और एस, और इसके साथ साथ इस चीज के साथ साथ इस सम वन में दो चीजें और आ गई. वो दो चीजें कौन है, वो दो चीजें जो है वो है ये वाली दो फंक्शन, ये दो फंक्शन जो है ये भी सम में आ गई, यानी इस सम वन में है. अब सम वन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें खाली डेटा ही नहीं है, उसमें उसकी डेटा की ऑपरेशन भी है, खाली डेटा ही नहीं है लेकिन ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन यानी फंक्शन दो है, मेथड्स दो है. अब वो कौन सी मेथड्स है, कौन सी फंक्शंस है, एक तो इंसर्ट एक तो शो, ठीक है. तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं सारे प्रोसीजर को कि कैसे करते हैं हम चीजें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें कौन सा काम करना है. मैं फिर से इस क्लास को एक बार जो है डेटा को एक बार हटा के मैं इसे दिखाता हूं. सपोज व्हाट वी हैव टू डू इज हमें एक क्लास क्रिएट करना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जिसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं. बाय अर्थमेटिक हमें सम करना है, सम ऑफ टू नंबर्स, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स या ए डिवाइड बाय बी, ठीक है. तो मैं इसका नाम रखूंगा ए आर टी एच, कुछ भी नाम ठीक वैलिड नाम रख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसका नाम यही रखूंगा अर्थमेटिक, ठीक है. अब फिर क्या करना होता है, क्लास को क्रिएट करने के बाद इसको एक ब्लॉग बनाते हैं हम, ठीक है, ठीक है, पैरेंथेसिस ये ब्रेसेस में. तो ये ब्लॉग टर्मिनेट करना होता है ऐसे. तो क्लास पहले सीधे क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, ठीक है, क्लास, क्लास का नाम, और फिर ऐसे इसको ब्लॉग बना दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया. फिर हम लिखते हैं कुछ वेरिएबल जो हमें यूज करने हो डेटा. तो सपोज मैंने हुआ इंटीजर, अगर मुझे सम एक ऐसा अर्थमेटिक जिसमें सम मल्टीपल डिवाइड दो तीन चीजें करूंगा, ठीक है. तो मैं इसमें रखूंगा सपोज नंबर वन इंटीजर नम वन एंड इंट नम टू एंड इंट रिजल्ट. तो मैंने तीन चीजें बनाई, एक नम वन जिसमें मेरा नंबर होगा कोई डेटा, और नम टू इसमें एक और डेटा होगा, और एक और रिजल्ट इसमें फिलहाल के लिए मेरा रिजल्ट स्टोर रहेगा, ठीक है. तो ये तीन चीजें हैं मेरे पास. ऑब्वियसली अब मुझे ये काम करने के लिए वो उनके लिए फंक्शन बनानी होगी, तो वो फंक्शन मैं पब्लिक में बनाता हूँ ताकि वो मुझे एक्सेस हो जाए. सपोज मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पहले वाइड सेट डेटा. वाइड सेट डेटा क्या करेगा, इसमें मैं डेटा लूंगा, इसमें मैं सी में
वैल्यूज ऑफ टू नंबर। मैं फिलहाल इसमें करूंगा कुछ नहीं, मैं बस बताऊंगा कि गेट द वैल्यू ऑफ टू डेटा नंबर्स, ठीक है, विज नाउ वन एंड नाउ टू। तो मैं फिलहाल कैसे करूंगा वो बाद में हम लिखेंगे, फिलहाल मैं बताता हूँ यहाँ पे कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं इसमें। सेट डेटा में गेट द वैल्यू ऑफ टू डेटा मेंबर नेम मेंबर मेंबर्स यहाँ पे जो है विज नम वन और नम टू का मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे डेटा वैल्यू गेट, गेट का मतलब मैं इनको इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे यूजर से, ठीक है, नम वन का नम, ठीक। तो डेटा मेरे पास आ गया, देन वी विल गेट अ इंटीजर, जो इंटीजर रिटर्न करेगा गेट सम। तो एक गेटर एक फंक्शन है सम जो क्या करेगी हमें सम रिटर्न करेगा। फिलहाल मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ये रिटर्न हमें करेगा सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं करता। और मुझे क्या करना है, एक और चीज सम प्रिंट गेट मल्टीपल MUL, तो एक और फंक्शन जो रिटर्न मुझे करेगी मल्टीपल, दो नंबर्स का मल्टीपल, obviously हम और भी बहुत सारी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे डिवीजन हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज। तो विल स्टिक टू दीज थ्री बेसिक, तीन के साथ फिलहाल काम करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर बना दिया कि इसमें ये डेटा होंगे और इसमें ये फंक्शन होगा, फंक्शन कैसे काम करेगा मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। अब हम अपनी मेन वाली फंक्शन में आते हैं। मेन वाली फंक्शन में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में हम ज्यादा करते कुछ नहीं, बस यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, मैं चाहता हूँ मैं इस क्लास को यूज करूँ। अगर मुझे इस क्लास को यूज करना है तो मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ये वही बात है। अगर आप का क्लास स्टार्ट होना है, आप मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ किसी थर्ड सेम का, ऑब्वियसली जब तक कोई स्टूडेंट नहीं होगा मैं क्लास कैसे लूंगा, ठीक है। तो जब कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा तो क्लास ही नहीं होगी। तो तभी जब कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इस चीज का तो ये काम ही नहीं करेगा, ये तो खाली एक स्ट्रक्चर है। क्लास थर्ड सेम तो एक नाम है, वो उससे तभी पढ़ाया जा सकता है किसी को जब थर्ड सेम में कोई ना कोई स्टूडेंट हमें हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक वेर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ अर्थमेटिक का, सपोज इसका मैं नाम रखता हूँ टेस्ट, ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट। तो मैं इसका एक्चुअली यहाँ पे नाम ए कैपिटल कर देता हूँ ताकि हमें ठीक से समझ आए, ए, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे रखा टेस्ट, ठीक। अब इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी हमारे पास जैसे हम पढ़, अगर हमारे पास हमें पढ़ना होगा तो एक स्टूडेंट आ गया। अब एक जब स्टूडेंट एक आता है तब हमें काम करना होता है कुछ। अब स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकता है, इसके पास तो ये प्रॉपर्टीज है, तीन सब्जेक्ट है, सपोज के पास तीन सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट। अब इसके पास इसको क्या करना है, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सपोज सब्जेक्ट वन पढ़ना है, सब्जेक्ट टू पढ़ना है और सब्जेक्ट तीन पढ़ना है, वो उसके काम हो गए। तो ये पहले वाले काम में क्या कर रहा है, पहले वाले काम में ये क्या कर रहा है, हाँ ये सी इन कर रहा है, सपोज हम इसको मैसेज देंगे सी आउट, नमन का आप जो है ये दे दो, आप इन कर डेटा दे दो नमन, ठीक है, एंड देन विल कॉपी इट नम टू एंड वन। फिर हम इसे मांगे कि नम टू का नम टू की डिटेल्स मांगे यहाँ पे नम टू। तो यहाँ पे इस फंक्शन ने अब क्या किया, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये उस वेरिएबल उस जो हम क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट उसके लिए दो चीजें सेट करेगा, नंबर वन और नम वन और नम टू के लिए वैल्यू। तो वैल्यू सेट हो गए वो इससे होंगे। अब क्या करना है, ये वाली फंक्शन क्या करती है, हमें रिटर्न सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर रिटर्न कर दिए। तो सम ऑफ टू नंबर के लिए हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू नम वन
प्लस नाम टू, और इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने का मतलब जिसने इसको कॉल किया है उसको वापस भेजेंगे कि हमें क्या मिला। तो नम वन और नम टू को मैंने सम रिजल्ट में डाल के और रिजल्ट को मैंने रिटर्न किया। रिटर्न करने का मतलब उसके पास वापस भेजो डिटेल, जो आपने जो आपको मिला रिजल्ट उसको भेजो वो। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। डिस्प्ले भी कर सकते हैं यहाँ पे सी आउट, फिर हमें यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा, यानी ये कुछ नहीं भेज रहा है। ऐसे ये एक फंक्शन है इंट मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कर रहा है रिजल्ट में कर रहा है नम वन इंट नम टू। तो नम वन और नम टू को मल्टीपल कर रहा है और फिर क्या कर रहा है रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मेरा जो क्लास है अभी तक सारे काम हो गए क्लास में। क्लास क्या कर रहा है, तीन डेटा, इसकी तीन वेरिएबल्स है इंट नम वन इंट नम टू और रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसकी एक फंक्शन है सेट डेटा। सेट डेटा में क्या कर रहा है नम वन और नम टू को यूजर से ले रहा है कि दे दो नंबर दो दे दो। जब नंबर दो इसको मिल रहे हैं फिर एक इसकी एक फंक्शन है गेट सम। गेट सम में क्या कर रहा है, गेट सम एक सिंपल सी फंक्शन है जिसमें रिजल्ट सम दो नंबर का सम करता है उसको वापस, जो उसको कॉल करता है उसको वापस भेजता है। ऐसे ही हमारे पास गेट मल यानी गेट मल्टीप्लिकेशन, तो इन दो का मल्टीपल करता है और उसको वापस भेजता है। सिंपल सी कहानी है। देन व्हाट वी विल डू, हमने इस मेन में एक टेस्ट क्रिएट किया। हम इस टेस्ट से बोलेंगे पहले सेट डेटा करो, पहले डेटा तो सेट करना है, तभी जाके जब डेटा सेट होगा तब जाके हमारे पास हमें क्या होगा, हमें इस इन दो का वैल्यू सेट हम कर सकेंगे ए और बी नम वन और नम टू का। फिर जब हमने सेट किया फिर मैं इसको बोलता हूं सी आउट करो गेट सम। अब देखो यहां पे मैंने अभी तक तो मैं कर रहा था सीधे टेस्ट डॉट गेट, यहां पे मैंने सी आउट क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये रिटर्न कर रहा है, ये कुछ भेज रहा है, तो वो मुझे भेज उसको मेरे मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, उसको मैं सी आउट को दे रहा हूँ जो मुझे वहां से डिटेल मिल रही है टेस्ट डॉट गेट सम। गेट सम मुझे दो नंबर्स का रिजल्ट रिटर्न करके दे रहा है, वहां से भेज रहा है, तो मैं उसको सी आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इससे क्या फायदा, हम इसको रीयूजेबल बनाते हैं, यानी कहीं कभी भी मैं इसको कॉल करूँ तो ये मुझे वो देगा, ये खाली खुद को ही आउटपुट नहीं देगा बल्कि मेरे पास भी वो वैल्यू देगा। तो मुझे वैल्यू मिल रहा है दो नंबर्स का सम, तो मैं यहाँ पर सीधे उसको मैसेज में कर रहा हूँ कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, या ऐसे भी कर सकता हूं मैं ठीक है पहले मैसेज दे सकता हूँ, जैसे हमें पता है हम पहले मैसेज दे सकते हैं, पहले मैंने मैसेज दी और उसके बाद मैंने इसको कॉल किया। एंड बिल्कुल यही चीज हम कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ टू, लेकिन वहां पे गेट सम नहीं होगा, हमारे पास गेट मल है दूसरी फंक्शन, वो क्या करती है गेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो क्या होगा, पहले पहले जब सारा कोड, अब देखना इस अच्छे से समझना, मैंने इस को फिलहाल बंद किया। क्यों बंद किया, देखो पहले जब ये कंपाइल होगा ना, ये कोड रन करेंगे हम, कंपाइल करेंगे, पहले ऐसे ऐसे चलेगा, ये पूछेगा इस क्लास पे कुछ नहीं करेगा, क्लास पे पूछे कुछ इसको इग्नोर ही करेगा, फिलहाल ये बच्चा करेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, लॉजिकल एरर नहीं, सिंटेक्स एरर देखेगा, अगर सिंटेक्स एरर नहीं है तो इसको ठीक ऐसे ही रहने देगा। फिर अपने फिर जब क्लास ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारे रन यहाँ से होता है इंट मेन फंक्शन आ जाएगी, तो ये फिर बोलेगा यहाँ पे अर्थ टेस्ट, यानी ढूंढेगा ये अर्थ टाइप का कोई चीज है मेरे पास, फिर से यहाँ पे मिलेगा हाँ अर्थ टाइप का एक क्लास है। जब इसे क्लास मिलेगा तो इस टाइप का एक बनाएगा ये टेस्ट, तो ये पहले देखेगा कि ये क्या है, ये अर्थ में क्या क्या चीजें हैं। जब इसे अर्थ में पता चलेगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं तो ये क्या क्या काम करेगा, यहाँ पे ऐसे काम करेगा, ये अर्थ का एक वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, उसमें नम वन नम टू रिजल्ट, ठीक है,
उसमें तीन चीजें रखेगा, एक तो नाउमन, दूसरा नाम टू और तीसरा रिजल्ट। ठीक है, इतना ही नहीं रखेगा, इतना ही नहीं रखेगा, ये इसमें एक और भी चीजें रखेगा। ये इसमें रखेगा एक फंक्शन सेट, सेट डेटा, एक और फंक्शन गेट सम, एक और फंक्शन गेट मल। ये वो तीन फंक्शन रहेंगी हमारे पास जो इस उसको मिली है, यानी ये तीन फंक्शन। ये इसमें जाएगी, ये इसमें जाएगी और ये इसमें जाएगी। अब देखो ये हमारे पास है टेस्ट, ये टेस्ट एक जो है ओवरऑल टेस्ट में क्या क्या है ये समझने की चीज है। जब टेस्ट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे नीचे टेस्ट क्रिएट करते हैं, हमने टेस्ट क्रिएट किया, हमने टेस्ट ये क्रिएट किया, जब ये रन हो जाएगा, ये कोड रन हो जाएगा तो क्या चीज होगी। देखो इस टेस्ट में आएगा नम वन, नम टू और रिजल्ट, यानी तीन चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इसमें तीन फंक्शंस भी आ जाएंगी, सेट डेटा, गेट सम और गेट मल। यानी इस टेस्ट में, इस टेस्ट को पता होगा कि मेरे साथ, सॉरी, कि टेस्ट को पता होगा कि मेरा डेटा मेंबर कौन से है, यानी मेरे पास वेरिएबल्स कौन से हैं और मेरे पास फंक्शंस कौन से हैं, इसको पता होगा। ठीक है, इसको खुद ही पता होगा। फिर मैं क्या करता हूं, इसको टेस्ट डॉट सेट डेटा करना। देखो सेट क्योंकि वाइड है, सेट क्योंकि वाइड है, ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता, तो मैंने इसको डायरेक्ट कॉल किया टेस्ट डॉट सेट। इसको मैंने किसी में सी आउट वी आउट नहीं कराया। ठीक है, तो जब ये कॉल रन होगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा दो नंबर एंटर करो। ठीक है, मैंने एंटर किए, फिर उसके बाद ये कोड रन होगा, सम ऑफ टू नंबर्स, मुझे बोलेगा सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू टेस्ट डॉट गेट सम। फिर गेट सम को कॉल होगी, फिर इस गेट सम को कॉल होगी, तो गेट सम मुझे इन दो नंबर्स का एडिशन देगा। फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज गेट मल्टीपल, तो गेट मल्टीपल जब होगा तो इस वाली फंक्शन को कॉल होगा जो मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स देगा। अगर मैं इसको एक बार सेव करके एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे ऐसे चल रहा है, पहले मुझे बोल रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, इंटर वैल्यू ऑफ नम वन, इसका मतलब इसने इस सेट वाली फंक्शन को कॉल किया है। इन द वैल्यू ऑफ नम वन, मैं इसको नम वन का वैल्यू दे रहा हूं, सपोज नम वन इज फोर। इन द वैल्यू ऑफ नम टू, नम टू इज थ्री। अब जब ये दो चीजें होगी, इसके बाद क्या हो गया, इसने इस वाली, ये थोड़ा सा एक सेकंड, फिर इसने इसको कॉल किया टेस्ट डॉट गेट सम, गेट सम, सम ऑफ टू नंबर्स इज सेवन। फिर इसके बाद इसने गेट मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज ट्वेल्व। ठीक है, तो इसने इसको भी कॉल किया, इस फंक्शन को भी कॉल किया और ये वाली फंक्शन जो थी इसको भी कॉल किया। तो दिस इज बेसिक्स कि हम कैसे करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कोई भी काम हम कैसे करते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि यहाँ पे ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ये चीजें हम सिंपल कर सकते थे, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना कि हम एक्चुअली एग्जाम्पल यहाँ पे छोटी बना रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे छोटी बना रहे हैं ताकि हमें बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन समझ आ जाए कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे वेरिएबल लिखे जाते हैं, कैसे उनकी फंक्शन लिखी जाती है और कैसे फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, अब ये तो था आज का लेक्चर, इसके साथ जो आज का लेक्चर है वो तो